नमस्कार दोस्तों, मैं आपका अपना मित्र अनिरुद्ध शर्मा स्वागत करता हूं आपके अपने YouTube चैनल सैक्रेड चेंट्स में। दोस्तों, आगे बढ़ने से पहले अगर आपने हमारे चैनल को अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया है तो जल्दी से सब्सक्राइब कर लें और आने वाली वीडियोस को सबसे पहले देखने के लिए नोटिफिकेशन के बेल आइकन पर क्लिक करें। गरुड़ पुराण को महापुराण की उपाधि दी गई है और यह एक ऐसा पुराण है जिसमें अच्छे व बुरे कर्मों की व्याख्या की गई है। मनुष्य को उसके अच्छे बुरे कर्मों के अनुसार स्वर्ग व नरक में भेजा जाता है। जहां मनुष्य को स्वर्ग में सुख ही सुख मिलता है, वहीं नरक में पापों के मुताबिक यातनाएं भुगतनी पड़ती हैं। गरुड़ पुराण के अनुसार मृत्यु के बाद आत्मा को अपने पापों की कीमत चुकाने के बाद ही मुक्ति मिलती है। कई लोगों के मन में सवाल होता है कि आखिर किसी पाप के लिए कौन सी सजा मिलती है। इसके बारे में गरुड़ पुराण में उल्लेख किया गया है। आइए जानते हैं मरने के बाद किस पाप के लिए कौन सी सजा मिलती है। गरुड़ पुराण में पापों के अनुसार मनुष्य की सजाएं तय की गई हैं। यदि कोई व्यक्ति दूसरों के पैसे लूटता है या पैसे की धोखाधड़ी करता है तो उसे यमदूत रस्सी से बांधकर नरक में पीटते पीटते ले जाते हैं। जब तक वह बेहोश नहीं हो जाता तब तक उसे पीटा जाता है और होश में आने के बाद फिर से पीटा जाता है। निर्दोष जीवों की हत्या करना एक बड़ा पाप माना गया है और इसके लिए गरुड़ पुराण में एक कठोर सजा तय की गई है। ऐसे व्यक्ति को गरम तेल में डालकर तला जाता है। गरुड़ पुराण में ऐसे व्यक्ति के लिए भी बेहद खतरनाक सजा तय की गई है जो कि बड़े बुजुर्गों का अपमान करते हैं या उन्हें घर से निकाल देते हैं। ऐसे व्यक्ति को नरक की आग में तब तक डुबोया जाता है जब तक उसकी खाल न निकल जाए। जो लोग जानवरों को मारकर उनका मांस खाते हैं उनके लिए भी गरुड़ पुराण में कठोर सजा तय की गई है। ऐसे लोगों को नरक में जानवरों के बीच छोड़ दिया जाता है और जानवर उन्हें चीर कर खा जाते हैं। गरुड़ पुराण के मुताबिक महिलाओं के साथ दुष्कर्म करने वाले या उन्हें धोखा देने वाले मनुष्य को जानवर की श्रेणी में रखा गया है। ऐसे मनुष्य को नरक में मलमूत्र से भरे कुएं में डाल दिया जाता है। दोस्तों, आशा करता हूं यह जानकारी आपको अच्छी लगी होगी। हर हर महादेव।